पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने के लिए बना विपक्षी एकता का गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। इस गठबंधन की पहली तीन बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई इस बैठक में सीट बंटवारे, संयुक्त प्रचार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, ईवीएम और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा हुई। यहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव भी रख दिया। ममता का दावा है कि उनके इस प्रस्ताव का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। दूसरी खबर यह निकल कर आ रही है कि इस बैठक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज होकर निकल गए। इससे पहले भी कभी ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें आईं, तो कभी नीतीश कुमार और तो कभी केजरीवाल की। सीट शेयरिंग के मामले में भी यह गठबंधन अभी तक आगे नहीं बढ़ सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में हुई चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दल अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में यह गठबंधन हर मोर्चे पर पिछड़ता नजर आ रहा है। गठबंधन की यह हालत तब है जब चुनाव में महज अब 4 महीने बचे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि विपक्षी दलों को जो काम 2014 के लोकसभा चुनाव हारते ही शुरू कर देना चाहिए था, वो काम उन्होंने 2023 के आखिर में किया है। विपक्ष की लेट लतीफी का आलम यह है कि अब जब लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है, उसके पास अभी तक कोई स्पष्ट विजन ही नहीं है। चार चार बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग पर कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम या एक साथ प्रचार करने की बात तो दूर है। पिछली बैठक जो मुंबई में हुई थी, उसमें जरूर 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इंडिया गठबंधन का अलग झंडा बनाने का ऐलान किया गया। मीडिया, प्रचार, सोशल मीडिया, कैंपेन और रिसर्च के लिए कमेटियां भी बनी, लेकिन पिछले 3 महीने में कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिर्फ एक बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई है। इसके अलावा अभी तक किसी और भी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया है। सबसे मुख्य बात यह है कि इंडिया गठबंधन यह तय ही नहीं कर पा रहा कि मोदी की गारंटी के आगे वे क्या विजन लेकर आने वाले हैं। यदि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां वाकई पीएम मोदी से मुकाबले के लिए तैयार हैं, तो उन्हें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि उनकी लेट लतीफी कहीं इन पार्टियों के भविष्य और अस्तित्व पर गंभीर संकट न खड़ा कर दे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।